फैशन इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट पर विनाशकारी प्रभाव है। वास्तव में ये तेल उद्योग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉल्यूटर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बढ़ने के साथ एनवायरनमेंटल डैमेज भी बढ़ रही है। हालांकि इन समस्याओं को कम करने के लिए समाधान और विकल्प तो जरूर है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैशन एंड वाटर पोल्यूशन। अधिकांश देशों में जिनमें गार्मेंट्स का उत्पादन किया जाता है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट वाटर्स को सीधे नदियों में फेंक दिया जाता है। वेस्ट वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि लीड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। ये एक्वाटिक लाइफ और उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। सिंथेटिक कपड़े धोना हानिकारक है, क्योंकि 2011 के एक रिसर्च के अनुसार एक सिंथेटिक कपड़ा वॉशिंग मशीन में 1900 से अधिक माइक्रोप्लास्टिक फाइबर उत्पन्न कर सकता है। तो इसके कॉजेस क्या है? फैशन इंडस्ट्री सभी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के 10% का कारण बनता है। हर सेकंड एक ट्रक से भरी हुई गार्मेंट्स के कचरे को चलाया जाता है, जिससे काफी मात्रा में पॉल्यूशन जनरेट होता है। एक सिंथेटिक गार्मेंट को धोने पर कम से कम 2000 प्लास्टिक माइक्रोफाइबर निकलते हैं, जो वाटर सिस्टम में जाके उन्हें पॉल्यूट करते हैं। 2700 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है एक कॉटन का कपड़ा बनाने में, जो एक इंसान 2 साल में भी नहीं पी पाता। 120 मिलियन ट्रीज को हर साल काटा जाता है कपड़े बनाने के लिए। 16% तक की पेस्टिसाइड यूज किया जाता है हर साल पूरी दुनिया में कॉटन फार्मिंग के लिए। ये केमिकल सॉइल को खराब करते हैं एंड वाटर को पल्यूट करते हैं। और हाउ टू रिड्यूस ये पॉल्यूशन? फैशन के इम्पैक्ट को रोका जा सकता है थोड़े कपड़े खरीद कर और उन्हें लंबे समय तक यूज करके। नेचुरल और ऑर्गेनिक फाइबर्स के ही कपड़े पहन ले। अपने दोस्तों के साथ कपड़े स्वैप करे और सेकेंड हैंड शॉपिंग करें। उन कपड़ों को डोनेट करें या वापस बेचें जो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ बातें फैशन से होने वाले पॉल्यूशन को लेके। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे अभी भी, तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।